नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे उन सभी छात्रों के लिए जिन्होंने बीएड और सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है, काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो बहुत लंबे समय से टीचर वैकेंसी को लेकर इंतजार कर रहे थे और चिंतित थे, तो अब उनकी चिंता जो है वो समाप्त हो चुकी है क्योंकि झारखंड सरकार ने टीचर वैकेंसी नोटिफिकेशन 2023 जारी कर दिया गया है। और काफ़ी लंबे समय से इस नोटिस की बात चल रही थी, सरकार हर समारोह में हर बैठक में इस वैकेंसी को लेकर बात करती थी राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार ने। बट थोड़ा सा इशू हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि राज्य सरकार झारखंड द्वारा 50 से 55 हज़ार वैकेंसी को लेकर बात की गई थी, परंतु 26,000 एक वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली है। अब देखो जारी किसने किया है, झारखंड शिक्षक भर्ती 2023, ठीक है। पदों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो 26,000 एक पद हैं यहाँ पर। अब यहाँ दो प्रकार के पद होते हैं, एक होते हैं PRT पोस्ट जो होती हैं, ये आपकी 11,000 हैं जो हमारी प्राइमरी लेवल की होती हैं। प्राइमरी लेवल की जो होती हैं वो कितनी है हमारी, यानी कि 1 से लेकर 5वीं तक जो है हमारी वो कितनी पोस्ट है, यहाँ पर 11,000 पोस्ट है। जबकि TGT अगर हम यहाँ बात करें, TGT पोस्ट जो है वो 15,000 एक पोस्ट है, जिसमें कि हम यहाँ से बात करने वाले हैं कि 6ठी से लेकर 8वीं तक की जो पोस्ट है वो यहाँ पर कितनी है, वो 15,000 एक पोस्ट है। अब 11,000 और 15,000 एक को अगर हम टोटल करें तो हमारी पोस्ट कितनी आ रही हैं, वो आ रही हैं 26,000 एक। तो दोस्तों, अभी इसमें क्या है कि ये देखना है कि दूसरे स्टेट वालों को क्या इसमें बेनिफिट मिलेगा, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, इन सभी को अभी आगे हम सीखेंगे, मतलब जानेंगे। तो अगर जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और आगे बढ़ते हैं कि क्या है इसकी कहानी और भी। तो देखिए क्या है, ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन जो है 8 अगस्त को ऑनलाइन की जाएगी और लास्ट डेट जो है वो 7 सितंबर है, यानी कि अभी चल रहा है जुलाई, ठीक है। अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो उसमें बता दिया गया है कब, कि 8 अगस्त से 7 सितंबर तक जो है ऑनलाइन चलने वाली है, यानी कि 30 दिन जो है ऑनलाइन ये पूरी चलने वाली है। जिसमें आयु सीमा की अगर हम बात करें तो जनरल और EWS के लिए जो मतलब यहाँ पर आयु है वो 21 से 40 वर्ष है, जबकि आगे जो है जैसे जैसे OBC की हम बात करें तो 42 और SC और ST में अगर हम बात करें तो इनकी जो आयु है वो है 45। तो यानी कि 21 से लेकर 45 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा समझ लीजिए, पोस्ट कहाँ की हैं, झारखंड शिक्षक भर्ती, पदों की संख्या कितनी है 26,000 एक, PRT पोस्ट कितनी है 11,000 और TGT पोस्ट जो है वो कितनी है आपकी, TGT पोस्ट जो है वो कितनी है आपकी 15,000 एक, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑनलाइन की डेट जो है वो आपको पता चल गई है तो आप बिल्कुल अपने दस्तावेज बिल्कुल तैयार रखें कि जिन जिन प्रमाण पत्रों की आपको आवश्यकता है उनको बनवा लें, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी भर्ती में प्रमाण पत्र जो है उस भर्ती के नोटिफिकेशन से पहले माने जाते हैं, ऑनलाइन डेट से पहले या अंतिम डेट से पहले भी मान्य होते हैं, तो अभी आपके पास टाइम है, बनवा लीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पर वेतनमान की, तो दोस्तों यहाँ वेतनमान जो है 7वां वेतन आयोग के अनुसार जो है, 7वें वेतन के अनुसार जो है यहाँ पर इनको वेतन मिलेगा, ठीक है। तो 7वें वेतन के अनुसार मिलेगा। अब यहाँ पर बात आती है, सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि कैंडिडेट को ये समझ में नहीं आया क्या है। तो देखिए इसमें क्या है कि आपकी योग्यता होनी चाहिए इंटरमीडिएट या स्नातक और बीएड, ठीक है, इंटरमीडिएट स्नातक या आपका बीएड होना चाहिए यहाँ के लिए अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पर झारखंड राज्य के लिए झारखंड टीजीटी पास क्वालिफाई होना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट, समझ गए नहीं, उत्तर प्रदेश में यूपी टेट, ऐसे यहाँ पर JTET क्वालिफाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, JTET क्वालिफाई होना चाहिए, जैसे कि यूपी में यूपी टेट और केंद्र सरकार के द्वारा जो है CTET, सेंट्रल में क्या होता है कि CTET क्वालिफाई होता है। परंतु अब क्या होता है कि यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से तो कोई एक होना चाहिए क्वालिफाई, यानी कि अदर स्टेट वाला जो होना चाहिए वो CTET क्वालिफाई होना चाहिए और झारखंड वाले JTET और CTET दोनों में से किसी भी एक को अगर क्वालिफाई किया हुआ है तो वो अप्लाई कर सकता है। अब बात आती है क्या अदर स्टेट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अदर कैंडिडेटों के लिए भी यहाँ पर अप्लाई करने का मौका होता है, और अगर उन्होंने CTET क्वालिफाई किया हुआ है तब, क्योंकि वो JTET क्वालिफाई नहीं मान्य होते हैं, वो क्या मान्य होते हैं, वो CTET क्वालिफाई मान्य होंगे और यहाँ पर अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, आप ये रोज़गार आपको अगर पाना है तो बेरोजगारी के टाइम में आपको कोई सी भी कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर जॉब मिलती है तो आप उसको तैयारी के लिए लग जाइए, क्योंकि
सरकारी जॉब आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, तो इसलिए ये आपको जानकारी दी है उन बच्चों के लिए भी जो झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं और भारत के किसी भी राज्य से अगर बिलोंग करते हैं तो हम सभी को जो है अगर किसी भी राज्य से कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम पहले सबसे पहले जो है आपको प्रोवाइड कराते हैं। और ऐसी जानकारी पाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना पड़ेगा जिससे कि आपको मिलने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज़ आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतनी ही जानकारी थी, केवल आपको बताना था कि कुछ बच्चों को सस्पेंस था कि सर ये सही बात है या गलत है, झूठ है या सच है, तो ये बिल्कुल सच बात है क्योंकि झारखंड टीचर वैकेंसी का नोटिफिकेशन इशू हो चुका है और आप उसमें 8 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो। तो आपके लिए शुभकामनाएँ, आप अच्छे से आपकी इसकी तैयारी करिए। ठीक है, और हम बहुत जल्दी जो है एक वीडियो बनाने वाले हैं कि किस तरीके से तैयारी करेंगे और किस तरीके से इसका सिलेबस है और कहाँ कहाँ से हमें बहुत सोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे जिससे कि फाइनली हमारा सिलेक्शन जो है झारखंड टीचर में हो जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जवाहर, वंदे मातरम।